अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे भरपूर है, वस्तुतः तुम में ही ओतप्रोत है। तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो, तुम शुद्र चित्त वाले मत बनो। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे भरपूर है और वस्तुतः तुम में ही ओतप्रोत है। ओतप्रोत का मतलब क्या है? जैसे कि बुना हुआ है, जैसे एक स्वेटर को हम बुनते हैं, तो वो स्वेटर किस में है? अगर कोई ऊपर ऊपर से देखेगा तो कहेगा कि इस स्वेटर के अंदर कॉटन है, मान लो कॉटन का एक स्वेटर है या कोई कपड़ा है वो कॉटन का है, तो कहेगा कि कपड़े में कॉटन है। जबकि अगर कोई साइंटिस्ट होगा और बारीकी से एनालाइज करेगा तो क्या कहेगा कि कॉटन में कपड़ा है। इसको ओतप्रोत होना बोलते हैं। जैसे अगर कोई ध्यान से नहीं देखेगा, ऊपर ऊपर से देखेगा तो देख करके कहेगा कि इस नदी में पानी है, नदी में पानी बह रहा है, ऐसे ही लोग बोलते हैं। जबकि सच्चाई क्या है? पानी में नदी है। पानी नहीं तो नदी कहाँ है? जिसको हम नदी कह रहे हैं वो पानी ही है। ओतप्रोत का मतलब ये होता है, मतलब नॉट एज अ सेपरेट रियलिटी, एज द वेरी सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे जो आपको सपना आता है, सपने में जो भी कुछ देखते हो उसमें, यानी कि ड्रीम में और ड्रीमर में क्या फर्क है? इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हो? इसको ओतप्रोत होना बोलते हैं। तो जो ड्रीमर है वो सपने में कहाँ है? क्या सिर्फ जो आप खुद को समझ रहे हो सपने में, एक बॉडी समझ रहे हो और आपके पंख निकल आए हैं और आप उड़ रहे हो आसमान में, फिर एकदम से आपके पंख में आग लग गई, आप गिर गए, तो सपने में आपको क्या लग रहा है कि मैं वो हूँ? लेकिन क्या एक्चुअल में जो आप हो, यानी कि जो ड्रीमर है, वो क्या उस पूरे सपने में जितनी भी फॉर्म्स हैं, सिर्फ वही नहीं जो जिसको आप मैं कह रहे हो, पेड़ पौधे ये हो जो भी कुछ है, वो सब किस में है? क्या वो सब ड्रीमर में नहीं है? क्या ड्रीमर उन सब में नहीं है? क्या इन दोनों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है? इसको ओतप्रोत होना बोलते हैं। कि उस सपने में सिर्फ जो आप खुद को समझ रहे हो, हवा में उड़ रहे हो फिर एकदम से गिरे नीचे समुद्र में और एक मगरमच्छ ने आपको खा लिया, तो आप सिर्फ उसमें ओतप्रोत नहीं हो जो आप अपने आप को समझ रहे हो उस ड्रीम में, उस मगरमच्छ में भी आप ही ओतप्रोत हो। वो भी आप ही की अपनी इमेजिनेशन है। क्या वो ड्रीमर से अलग है? जिसको वो सपना आ रहा है, अगर उसने कभी पहले मगरमच्छ को देखा ही नहीं होता अपनी आंखों से, तो क्या उस सपने में वो मगरमच्छ उसको दिखता? नहीं दिखता। तो वो जो मगरमच्छ दिख रहा है या पेड़ पौधे दिख रहे हैं या सपने में जो भी कुछ आप देखते हो, वो सब क्या है? आपकी अपनी ही एक इमेजिनेशन है। और जो उसको इमेजिन कर रहा है, क्या वो उसके कण कण में नहीं है? क्या मगरमच्छ आप नहीं हो? क्या समुद्र आप नहीं हो? सपने में जो भी कुछ देख रहे हो, पानी आप नहीं हो? क्या आप नहीं हो? आसमान आप नहीं हो? जो भी कुछ उस सपने में आप देख रहे हो, सोच रहे हो, क्या वो सब आप ही नहीं हो? इसको ओतप्रोत होना बोलते हैं। मतलब कि कण कण में है। बिल्कुल इसी तरह से जो भी कुछ आप देख रहे हो, आंख खोल करके जो भी कुछ आप देख रहे हो, वो दिख तो आपको आपके अंदर ही रहा है ना। आपको लग रहा है कि आप बाहर देख रहे हो, बाहर कोई भी नहीं देख सकता। देयर इज नो वे टू सी आउटसाइड। आप टच बाहर करते हो लेकिन उसका पता अंदर ही लगता है। तो इस दुनिया में कोई भी जानवर है, कोई भी इंसान है, उसको पता अंदर ही लग रहा होता है। तो जब अंदर आपको पता लग रहा होता है, बाहर आपको एक पेड़ दिख रहा है और अंदर आपको पता लग रहा है, उस पेड़ के साथ में आपको अपनी बॉडी भी दिख रही है। मान लो पेड़ के ऊपर एक शीशा लगा हुआ है, तो आपको पेड़ भी दिख रहा है, उसके ऊपर शीशा भी दिख रहा है, उस शीशे में आपको अपनी बॉडी भी दिख रही है। तो आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ है? अगर आप कॉन्शियसनेस हो तो वो कहाँ है? क्या सिर्फ उस पेड़ पर है? क्या सिर्फ अपनी ब्रेन में जो आपको वो बॉडी दिख रही है उस शीशे में, सिर्फ वहां पर है आपकी कॉन्शियसनेस? ये जो भी कुछ दिख रहा है उसके कण कण में? तो जो भी कुछ है, संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे ही भरपूर है, वस्तुतः तुम में ही ओतप्रोत है। मतलब जो भी कुछ दिख रहा है उसको आप देखने वाले से अलग नहीं कर सकते।
साइंस क्या करती है, जो भी स्पेस में दिख रहा है बस वहाँ तक जा करके रुक जाती है, फिर उसको एनालाइज करती है, फिर उसको तोड़ती है, एंड में स्पेस रह जाता है, तो स्पेस को कभी नहीं देखती है। वो ये नहीं देखती है कि स्पेस कहाँ चला जाता है। जो अंदर के साइंटिस्ट हैं वो क्या करेंगे, वो स्पेस पे इंक्वायरी करेंगे, सिर्फ उसमें नहीं जो स्पेस में दिख रहा है, क्योंकि वो तो उनको समझ आ रहा है, जैसे ही उसको देखते हैं ध्यान से वो गायब हो जाता है, कुछ और दिखने लगता है। आपको दर्द लग रहा है बॉडी में, उस दर्द को ध्यान से देखो, उस पेन की सेंसेशन को ध्यान से देखो, वो बदल जाएगी, आपको थोड़ी देर में लगेगा है ही नहीं। सो द नेचर ऑफ रियालिटी चेंजेस द मोमेंट योर स्टेट ऑफ माइंड चेंजेस। दिस इज द नेचर ऑफ रियालिटी, इट इज कनेक्टेड टू योर स्टेट ऑफ माइंड। वॉट इज स्टेट ऑफ माइंड? जैसा आप सोच रहे हो, किसके बेस पर सोच रहे हो, जो भी मेमोरी पड़ी है उसके बेस पर सोच रहे हो। बचपन से आपने इसकी बहुत प्रैक्टिस करी है, इस तरह से इस दुनिया को देखने की। बचपन से आपने एक पेड़ को पेड़ की तरह देखने की बहुत प्रैक्टिस करी है, एप्पल को एप्पल की तरह देखने की बहुत प्रैक्टिस करी है। बट द मोमेंट आप अपनी कंडीशनिंग को तोड़ते हो और एप्पल को एक नई नज़र से देखते हो, आपको उसमें कुछ और ही नज़र आएगा, कुछ ऐसा जो आपसे पहले नज़र ही नहीं आया है। कुछ रेशे नज़र आएंगे, कुछ डॉट्स नज़र आएंगे, फिर उसको और ध्यान से आप देखोगे तो कुछ और नज़र आएगा, कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, कहोगे ये तो कुछ और ही है। तो कहने का मतलब क्या है, ये किससे कनेक्टेड है? जो भी रियलिटी है जिसको आप रियलिटी बोलते हो, आपके स्टेट ऑफ माइंड से। मेडिटेशन में जैसे ही आपका स्टेट ऑफ माइंड बदलता है, आपको कुछ और दिखने लग जाता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो रियल है ये रियल है। जैसे ही आप मेडिटेशन में गहरे जाओगे, आप देखोगे बॉडी है ही नहीं। तो रियलिटी क्या है, कि एक्चुअल में बॉडी है या नहीं है? इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ माइंड, विच मीन्स इट इज इन द माइंड। अब ये बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए समझना। इट इज इन योर ब्रेन, बट ये मिस्टिकल हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा टच नहीं करूँगा। बट मोटा मोटा यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि नेचर ऑफ रियलिटी इज कनेक्टेड टू द स्टेट ऑफ माइंड। माइंड कैन एग्जिस्ट ओनली इन रिलेशन टू अ फॉर्म। द मोमेंट यू लेट गो ऑफ अ फॉर्म, वॉट रिमेन्स इज द फॉर्मलेस। जिसको साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, स्पेस। वो ये नहीं देखते कि ये स्पेस किससे कनेक्टेड है। जैसे स्पेस में जो भी कुछ है वो कनेक्टेड किससे है, स्पेस से है और मुझसे है। बट अगर जो भी कुछ स्पेस में दिख रहा है उसको एक बार को छोड़ दो, उसको देखने की इच्छा को छोड़ दो कि ठीक है इसमें क्या पड़ा है, चाहे एक एटम को देखें चाहे एक स्टार को देखें। जैसे ही एनालाइज करेंगे अलग नज़र से, वो कुछ और ही दिखने लग जाएगा। इंस्ट्रूमेंट चेंज करेंगे, रियलिटी बदलने लग जाएगी और पल पल में बदलेगी। तो अब आप क्या कहते हो कि इसको देखने दिखाने के चक्कर में कुछ पड़ा नहीं। लेट मी सी कि जब इस स्पेस में कुछ नहीं होता, यानी कि सिर्फ स्पेस होता है, तब क्या होता है? वो स्पेस कहाँ से पैदा होता है और कहाँ मरता है? स्पेस में चीज़ें पैदा होती हैं और मरती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट। पैदा होना और मरना भी कहना गलत होगा, दिखती है और नहीं दिखती है। पैदा कहाँ से हो जाएगी, इसका मतलब वो थी। इंस्ट्रूमेंट को लगाया तो दिख गई, नहीं लगाया तो नहीं दिख रही। सिंपल हो गया ना। आंखों के आगे कोई ऐसी चीज लगाई तो ये पेड़ यहीं पर है, ये कोई आया गया नहीं है, बट दिखने लग गया, एक पौधा दिखने लग गया। एकदम से कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगाया तो कुछ और दिखने लग गया। कभी आप इंटरनेट पे जाके देखना, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उसको जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसी फॉर्म्स नजर आते हैं कि आपको लगेगा पूरी की पूरी हम गैलेक्सी को देख रहे हैं। एक सैंड पार्टिकल के अंदर, एक छोटा सा पार्टिकल, उसके अंदर सारे कलर्स आपको नजर आएंगे, एक पूरे को पूरा एक फॉर्म नजर आएगा। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आई एम नॉट इन दैट पार्टिकल ऑफ सैंड, आई एम इन द यूनिवर्स, आई एम इन स्पेस। तो छोटे से पार्टिकल के अंदर पूरा का पूरा यूनिवर्स है, अगर उसको ध्यान से एनालाइज किया जाए तो। बट दैट इज इमटीरियल। द क्वेश्चन इज कि स्पेस कहां से आता है और कहां जाता है, स्पेस किससे कनेक्टेड है? क्योंकि स्पेस जो भी कुछ दिख रहा है, दृश्य प्रपंच है, उसमें ओतप्रोत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे माइक्रोस्कोप से देखो, चाहे टेलीस्कोप से, चाहे आंखों से, चाहे कानों से सुनो, चाहे कुछ भी करो, उसके लिए स्पेस का होना जरूरी है। साउंड के एग्जिस्ट करने के लिए स्पेस का होना तो जरूरी है ना। स्पेस में ही तो साउंड एग्जिस्ट करेगी, अगर स्पेस ही नहीं है तो कहाँ है साउंड? तो ये स्पेस क्या है, ये किससे कनेक्टेड है? क्या ये स्पेस कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड नहीं है? कौन बात करता है स्पेस की? किसको स्पेस दिखता है? मुझे दिखता है ना,
मैं मतलब क्या, क्या स्पेस को स्पेस दिखता है? क्या किसी इनर्ट ऑब्जेक्ट को, किसी डेड ऑब्जेक्ट को स्पेस दिखता है? किसे दिखता है? मुझे दिखता है ना, कॉन्शियसनेस को दिखता है ना। तो जिसको जो दिख रहा है, जो साइट है, क्या वो उस स्पेस के कण कण में नहीं है? देखो, एक स्क्रीन के ऊपर आप मूवी देख रहे हो, तो आपकी जो साइट है वो कहां है उस मूवी में? मान लो आपकी खुद की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है और वो चल रही है, तो आप क्या कह रहे हो? मैं सिर्फ वहां पर हूं, मैं सिर्फ वहां पर हूं, उस पूरी की पूरी बड़ी स्क्रीन में वो जो बॉडी दिख रही है वो मैं हूं, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में आप क्या हो? वो जो बॉडी जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है वो तो आपकी बॉडी की ही एक रिकॉर्डिंग है, इस इंस्ट्रूमेंट की एक रिकॉर्डिंग है जो प्ले हो रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो मैं हूं, क्योंकि आप तो यहां बैठ करके देख रहे हो। अगर अपने आप को बॉडी भी बोलते हो तब भी यू कैनॉट से दैट इज मी। तो सेम जैसे उस स्क्रीन के ऊपर कुछ दिख रहा है, ऐसी हमारी जो ब्रेन है जो एक स्क्रीन की जैसी है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ दिखता रहता है। अपनी बॉडी को भी आप देखते इसी में हो, शीशे में देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है, बट वो शीशे में नहीं है। शीशा कहाँ है? आपकी ब्रेन में है। उस शीशे में जो इमेज है वो कहाँ है? आपकी ब्रेन में है। सब कुछ ब्रेन में दिख रहा है। तो ऐसे ही जब आप एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो अपने आप को, तो आपको क्या लग रहा है कि मैं वहां पर हूं और वो कौन है? वो मेरे फादर है, वो मदर है, वो ये है। आप हो कौन? पहले तो ये क्वेश्चन करो। इफ यू से आई एम द बॉडी, तब तो कुछ भी सोचते रहो, बट दैट इज एन एरर। बट इवन इफ यू आर अ बॉडी, यू कांट से आई एम देयर, यू नीड टू से आई एम हियर। बट द मोमेंट यू डू दैट इंक्वायरी एंड यू से अच्छा, तो जैसे बॉडी, जैसे उस स्क्रीन के ऊपर सब कुछ दिख रहा है, जैसे उस स्क्रीन के ऊपर इस बॉडी की एक इमेज दिख रही है जिसको मैं वीडियो बोल रहा हूं, ऐसे ही मेरी ब्रेन के अंदर इस बॉडी की एक इमेज दिख रही है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? और आप समझ पा रहे हो दैट यू आर नॉट द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच यू आर सीइंग, यू आर द साइट, द अनलिमिटेड साइट विच लुक्स लिमिटेड बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच यू आर सीइंग। तो अब आपने क्या करा, स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखा, तो आपने कहा मेरी जो साइट है, अगर मैं साइट हूं तो मैं तो पूरी की पूरी स्क्रीन पर हूं। आई बात समझ में? अगर आप कहते हो कि मैं ये बॉडी हूं, तो आप क्या कहोगे? मैं यहां बैठा हूं और सामने स्क्रीन है, उसके ऊपर एक वीडियो चल रही है, वो मैं हूं। और थोड़ा दिमाग लगाओगे तो क्या कहोगे? नहीं नहीं, वो मैं नहीं, वो मेरी एक इमेज है। तो क्या इस पूरे फिनोमेना को आप अभी नहीं देख रहे हो? क्या ये पूरा का पूरा फिनोमेना एक इमेज नहीं है? आप ये भी तो देख रहे हो, आप सिर्फ ये थोड़ी देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो प्ले हो रही है, उस वीडियो में मेरी रिकॉर्डिंग है। आप ये भी तो देख रहे हो कि मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, यानी कि ये बॉडी यहां पर है और आसपास में कुछ और चेयर्स हैं, पूरा का पूरा एक मूवी हॉल है, उस मूवी हॉल में एक स्क्रीन है जिसमें कुछ देख रहा हूं। तो ये सब भी तो आप देख रहे हो एक स्क्रीन के ऊपर। वो स्क्रीन है छोटी सी, लेकिन लग रहा है आपको कि कुछ बहुत बड़ा आप देख रहे हो। यूनिवर्स कितना भी बड़ा हो, देखते छोटी सी स्क्रीन के ऊपर ही हो। आपकी ब्रेन कितनी छोटी सी है, लग रहा है वास, लेकिन देख रहे हो एक छोटी सी जगह में अपने ब्रेन के अंदर। चाहे सुन रहे हो, ब्रेन के अंदर ही सुन रहे हो, सूंघ रहे हो वहीं पर है, जो भी फील कर रहे हो सेंसेशंस है सब ब्रेन के अंदर है, फीलिंग्स इमोशंस सब वहीं पे है, वही रिएक्शंस है। तो अब आप क्या हो? जैसे आप कह रहे हो मैं वो स्क्रीन नहीं हूं और उस पर जो इमेज दिख रही है वो मैं नहीं हूं, वो सिर्फ इमेजेस है। तो ऐसे ही ये जो बॉडी है, क्या वो स्क्रीन के जैसी नहीं है? तो वो आप कैसे हो सकते हो, क्योंकि उसको आप जान रहे हो और स्क्रीन के ऊपर ये सारी इमेजेस आपको दिख रही हैं, इंक्लूडिंग द मूवी हॉल, इंक्लूडिंग दैट स्क्रीन, इंक्लूडिंग दिस बॉडी। ठीक है, इस बॉडी से आवाज निकली तो आवाज भी आपको स्क्रीन पे पता लग रही है। तो फिर आपको समझ आता है ये सब कहां पता लग रहा है? ये एक स्पेस में पता लग रहा है, डार्क स्पेस है, ब्रेन के अंदर डार्कनेस है, डार्कनेस में ही तो लाइट दिखेगी। ब्रेन पैक्ड है ना हर तरफ से, तभी तो हम उसके अंदर ये सब कुछ देख पा रहे हैं। अगर पूरी लाइट होती तो लाइट में क्या लाइट दिखती? नहीं दिखती ना। तो ये क्या है? प्ले ऑफ लाइट्स एंड शेडोज। जैसे होता है ना, एक प्रोजेक्टर स्क्रीन है, उसको ले जाकर के आप बिल्कुल धूप में रख दो तो कुछ नहीं दिखेगा, दिखना बंद हो जाएगा। ऐसे ही आपकी ब्रेन के अंदर जो एक स्क्रीन के जैसी है, आपको ये सब कुछ दिख रहा है। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हो, तो आप देखते हो कि जो भी कुछ उस ब्रेन में दिख रहा है, मैं उसके कण कण में हूं। आगे बात समझ में? जैसे जो आपको स्क्रीन में आगे दिख रहा है, एक मूवी स्क्रीन में, उसमें आप कहां हो? आपकी जो साइट है, जो नजर है, वो कहां है?
जो भी आप देख रहे हो हर जगह पे आपकी नजर है। अगर आप चांद को भी देख रहे हो तो आपकी नजर कहां है? मैं आपकी बॉडी की बात नहीं कर रहा, आपकी नजर कहां है? चांद पे भी है, तारों पे भी है, उसके बीच में जो स्पेस है वहां पर भी है। क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर नजर नहीं है? तो वो नजर आप हो। जब ऐसे समझोगे तब समझ आएगा इसका मतलब, तब इसकी गहराई समझ आएगी कि आपकी ब्रेन जो एक स्क्रीन के जैसी है, उस स्क्रीन के ऊपर, वो स्क्रीन क्या है? डार्क स्क्रीन है। अब वहां पर कोई इमेजिन मत करना कि कहीं कोई स्क्रीन है, वहां पर आपको ये सब कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो चाहे कुछ दिख रहा है चाहे कुछ नहीं दिख रहा है, जो साइट है वो नहीं मरती है। ब्रेन में कभी कुछ दिख जाता है कभी कुछ नहीं दिख रहा होता है। जब नहीं दिख रहा होता है तब भी हमें पता होता है कि अभी कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे आप ध्यान में बैठे हो एक मंत्र को पकड़ करके, तो कुछ देर बाद में मंत्र भी खो जाता है, फिर आपको पता होता है कि हाँ अब मंत्र का रेपिटेशन होना बंद हो गया है, लेकिन आपको पता होता है। फिर आपको ये पता लगना भी बंद हो जाता है कि अभी मंत्र नहीं है। उस वक्त क्या होता है? पीस होती है, शांति होती है, कोई थॉट नहीं होता। फिर कुछ देर बाद क्या होता है, 15 मिनट बाद मंत्र दोबारा से आ जाता है अंदर ही अंदर। आपको एकदम से याद आता है अरे मंत्र छूट गया, फिर आप मंत्र वापस से याद करते हो और उसको प्ले करना शुरू कर देते हो। इसमें मैंने मंत्र बोला है, आप ब्रेथ को भी लगा सकते हो। दिस इज द एसेंस ऑफ मेडिटेशन। लोग क्या है, मैकेनिकल है, कभी डीपली समझते नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ब्रेथ को देख रहे हैं तो बस देखते ही जा रहे हैं। क्या होता है ब्रेथ में? देखो अगर इसको मैं पूरी मेडिटेशन को समअप कर दूं, जो भी इस दुनिया में जितने भी तरह की मेडिटेशंस हैं उसका एसेंस क्या है? ब्रेथ को देखते रहो, ऐसे ही बोलते हैं, ब्रेथ की तरफ अपना ध्यान रखो। ठीक है जी, ध्यान है। अब क्या होता है, ब्रेथ की तरफ ध्यान होता है, उसके साथ में कुछ थॉट्स आ जाते हैं, ध्यान वहां चला जाता है, ब्रेथ से हट जाता है। फिर वापस हम अपना ध्यान ब्रेथ पे ले करके आते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, ब्रेथ का पैटर्न चेंज हो रहा होता है। वो क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो रहा है। इट इज सो सटल, अगर आप ध्यान से देखोगे आपको समझ आ जाएगा। व्हाट इज स्टेट ऑफ माइंड? योर स्टेट ऑफ डिजायर्स एंड फियर्स। इसी से तो कनेक्टेड है ब्रेथ, और किससे है? डर लगा एकदम से मेडिटेशन करते करते, ब्रेथ तेज हो गई, फिर एकदम से वो डर चला गया। डर क्यों लग रहा था? क्योंकि कुछ याद आ गया था। याद क्या है? वो इमेजेस पड़ी हुई थी, कुछ इंप्रेशंस पड़े हुए थे, वो आ गए थे। उसके बाद में क्या हुआ, आप रिलैक्स हो गए, कुछ अच्छी फीलिंग आ गई, ठीक है, ब्रेथ नॉर्मल हो गई। फिर एकदम से फीलिंग्स और इमोशंस ही गायब हो गए। आप कई दिन से बैठे हो ध्यान में, ना कोई फीलिंग्स है ना इमोशंस है, तो ब्रेथ नॉर्मल है, ब्रेथ की तरफ से ध्यान हट गया। जब ध्यान हट गया तो क्या लगा आपको? कि ब्रेथ चलनी बंद हो गई है। फिर आप डर गए, फिर एकदम से आपका ब्रेथ की तरफ ध्यान गया कि ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हमें अगर बारीकी से समझना है तो इन तीन स्टेट्स को समझना है। एक, जब हमारा ध्यान ब्रेथ की तरफ होता है। दूसरा, जब ध्यान ब्रेथ की तरफ नहीं होता है। तीसरा, हमें ब्रेथ के ना होने का पता लग रहा होता है, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि अगर ब्रेथ बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाएगी तो हार्ट बीट भी बंद हो जाएगी। तो ब्रेथ चल तो रही है लेकिन हमारी एक अपनी इमेजिनेशन है, हमको स्क्रीन के ऊपर क्या लग रहा है, ब्रेथ चलनी बंद हो गई है, ब्रेथ लंबी हो गई है, बंद नहीं हुई है। जैसे जो कछुआ होता है वो एक मिनट में कम बार ब्रीथ करता है, जो डॉग्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, तो ऐसे ही जब ब्रेथ लंबी हो जाती है तो हमको लगता है कि ब्रेथ बंद हो गई है, ब्रेथ बंद नहीं हुई है। ये हमारी गलत फहमी है कि मेरी ब्रेथ ठीक है, अब खराब है, अब लंबी है, अब छोटी है, अब ब्रेथ नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये भी नहीं पता कि ब्रेथ नहीं है, बट यहां तक कोई नहीं जाता है कि उस बीच में क्या हो रहा होता है, बस उससे अटैच हो जाते हैं। बीच बीच में ना मेडिटेशन में कुछ ऐसी स्टेट्स आती हैं जब कुछ भी नहीं होता है तब बड़ा अच्छा लग रहा होता है, बिल्कुल गहरी नींद के जैसा, लाइक डीप स्लीप। गहरी नींद में यही तो होता है ना, हमको ब्रेथ के होने का पता नहीं होता है तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, कोई थॉट ही नहीं होता है, थॉट फ्री स्टेट। एक है थॉट लेस स्टेट, जहां पर कम थॉट्स आ रहे हैं, एक है थॉट फ्री स्टेट। जब आप जाग रहे हो तो यू कैन गेट इनटू थॉट लेस स्टेट, नॉट थॉट फ्री स्टेट। थॉट फ्री स्टेट में आप तब एंटर करोगे जब आपका थक जाओगे, देन यू गेट इनटू थॉट फ्री स्टेट फॉर सम टाइम, इवन इफ यू आर डूइंग मेडिटेशन।
अदरवाइज यू कैन गेट इनटू थॉटलेस स्टेट, लेस नंबर ऑफ थॉट्स, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. थॉट फ्री एक तरीके से बेहोशी है, बेहोश हो गए, नींद में चले गए, कोमा में चले गए, दैट इज थॉट फ्री स्टेट. वहां पर कोई थॉट नहीं है. हाँ, बट वी कैन लिव इन थॉटलेस स्टेट, लेसर नंबर ऑफ थॉट्स. तो ऐसे ही जब आप इसको ध्यान से एनालाइज करते हो, एक है सीयर देखने वाला, एक है इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू देखा जा रहा है, एक है सीयर की साइट, सीयर मतलब देखने वाला, एक है देखने वाले की नजर. वो नजर पांचों सेंसेस के थ्रू भी देख सकती है, मेमोरी को भी देख सकती है. मैं उस सीयर की बात कर रहा हूं, सिर्फ आंखों से देखने वाले सीयर की बात नहीं कर रहा. कैन सीयर एंड साइट बी सेपरेटेड? Is it possible? देखो कितना सिंपल है. जैसे फायर इज हॉट, द वेरी नेचर ऑफ फायर इज टू बी हॉट. इन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते. ऐसे ही द वेरी नेचर ऑफ द सीयर इज टू सी. इट कांट स्टॉप सीइंग, इट कॉन्टिन्यूज टू सी, इट कॉन्टिन्यूज टू बी. तो लोग इसको अलग अलग कर देते हैं. ये एक्चुअल में अलग नहीं है. सीयर इज साइट एंड साइट इज सीयर. माइनस द साइट कैन यू टॉक अबाउट सीयर? मतलब नजर ना हो, देयर इज नो साइट, कैन यू टॉक अबाउट द सीयर? व्हाट डू वी मीन बाय सीयर? आपकी इस बॉडी में नजर ना हो तो क्या आप अपने आप को देखने वाला कह सकते हो? साइट ना हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आई साइट, that is in relation to the eyes. I am talking about sight. You can call it as ear sight, eye sight, nose sight, skin sight, thought sight. But I am talking about sight. Minus the sight, can we talk about the seer? Is sight different from the seer? क्या ये सच नहीं है कि मैं ही वो sight हूं? आप क्या हो? आप आंखें हो? क्या आप आई साइट हो? क्योंकि अगर आई साइट भी चली जाती है, देन ऑल्सो द साइट कॉन्टिन्यूज टू एग्जिस्ट इन रिलेशन विद द ईयर्स. ईयर साइट तो है ही, स्किन साइट तो है ही, टेस्ट साइट तो है ही. तो देन यू आर नॉट द आईज, यू आर नॉट द आई साइट, यू आर द साइट. सीयर इज द साइट. तो ये सब कुछ, जो भी कुछ हमको दिखता है इस पूरी दुनिया में, ये उस साइट से अलग नहीं है. फिर चाहे आप टेलीस्कोप से देखो, चाहे आंखों से देखो, किसी से भी देखो, वॉट एवर इज सीन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द साइट, इज नॉट अपार्ट फ्रॉम द साइट, इज नॉट अवे फ्रॉम द साइट, इट इज इन द साइट. वॉट एवर एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स इज इन द साइट. And the sight is not different from the seer. इसको बोलते हैं ओतप्रोत होना. तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो. ना कमाल का है. देखो बुद्धिज्म में क्या बोलते हैं कि आपको बुद्ध होना है, वो बुद्ध हो गए. What do we mean by that? तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो, कुछ करना नहीं है उसके लिए. आपकी जो sight है वो तो free है, यहां तक कि आपकी आई साइट भी फ्री है. वो किससे जुड़ी हुई है? ज्यादा से ज्यादा आपकी आंखों से जुड़ी हुई है, सीन से नहीं जुड़ी हुई है. आंखें आई साइट से ही तो जुड़ी हुई है. बाहर कुछ भी दिखता रहे आंखों को, चाहे टॉयलेट दिखे, चाहे मंदिर दिखे, उसका आई साइट पे क्या फर्क पड़ता है? कितना सिंपल है ये समझना कि आपकी आई साइट अच्छी हो जाती है मंदिर में जाकर के, और टॉयलेट में जाकर के खराब हो जाती है. आई साइट का काम क्या है? जो भी कुछ है उसको इल्यूमिन करना. साइट के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप चाहे मंदिर में हो, चाहे गंदे से टॉयलेट में हो, चाहे आप राम को देख रहे हो, चाहे रावण को देख रहे हो, आई साइट के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है. फर्क किसके ऊपर पड़ता है? स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर, मेमोरी के ऊपर. अगर मेमोरी ना हो तो कहां है मंदिर और कहां है टॉयलेट, कहां है अच्छा और कहां है बुरा, कहां है प्रॉब्लम्स, कहां है दुख,
आईसाइट इज फ्री फ्रॉम वॉट एवर फॉल्स इन द रेंज ऑफ द आईसाइट. वॉट एवर एग्जिस्ट इन द आईसाइट, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन द आईसाइट, सो इट कैन नॉट टच द आईसाइट, ऑल्दो इट एग्जिस्ट इन द आईसाइट. इसमें से अगर आईज भी हटा दो तो साइट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? आईज के होने का या ना होने का फर्क साइट पे नहीं पड़ता. सो सिंपल. आईज खराब हो सकती है जिसकी वजह से आईसाइट खराब हो सकती है, बट साइट खराब नहीं हुई है. आईज मर सकती है, आईज मरेंगी ही, साइट नहीं मरेगी. हो सकता है आईज जो है, आंखें जो है, वो पहले मर जाए और बाकी की बॉडी बाद में मरे, कुछ साल बाद. साइट नहीं मरी है, साइट बूढ़ी नहीं हो रही है. ऑर्गन्स जो है, जो सेंसेस है, वो बूढ़े हो रहे हैं, वो खराब हो रहे हैं. तो क्या बदल रहा है? अगर ध्यान से देखा जाए तो जो ये सेंसेस हैं वो बदल रहे हैं, जो भी कुछ सेंसेस परसीव कर रहे हैं वो बदल रहे हैं, मेमोरी बदल रही है. तो अगर हम अपनी आइडेंटिफिकेशन सही जगह पर रखें, मेमोरी से हटा दें, जो भी कुछ रिकॉर्डिंग है इन सेंसेस की, इस बॉडी की आपके अंदर पड़ी हुई है, पड़े रहने दो उसको. रिकॉर्डिंग को नहीं हटाना है, मेमोरी को नहीं हटाना है, मेमोरी के साथ जो आपने अपने आप को जोड़ रखा है बस वहां से हटा दिया. मैं ये नहीं हूं, बस इतना सा ज्ञान है, तो लिबरेट हो गए. ना मैं सेंसेस हूं, यानी कि ना मैं आईसाइट हूं, ना आईसाइट के थ्रू जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं हूं, ना आईसाइट के थ्रू जिस ब्रेन के ऊपर, जिस स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो मैं हूं, ना उसके जो इंप्रेशंस पड़े हुए हैं, जो भी कुछ देखा गया है वो मैं हूं, ना उन इंप्रेशंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो मैं हूं. अच्छे बुरे इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, तरह तरह के एक्शंस हो रहे हैं उसके बेस पर, ना वो मैं हूं. तो मैं क्या हूं? आई एम द साइट. इस साइट को बुद्ध बोलते हैं, शुद्ध बुद्ध स्वरूप. बुद्ध मतलब बोध, बोध मतलब एक्सपीरियंस. व्हाट इज एक्सपीरियंस माइनस द साइट? व्हाट इज दिस वर्ल्ड विदाउट द एक्सपीरियंस? सोच जितनी भी है, जैसी भी है, जितनी भी बुक्स हैं, करोड़ों अरबों खरबों, या जो भी सुबह से रात तक कोई भी सोच रहा है, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे गवार है, वो किसके बेस पे सोच रहा है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई एक्सपीरियंस हुआ था जिसके बेस पर वो कुछ सोच रहा है या एक्ट कर रहा है, बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस. व्हाट इज एक्सपीरियंस माइनस द साइट? आंखें भी हो, जो कुछ दिख रहा है वो भी हो, वो स्क्रीन भी हो जिसको आप ब्रेन बोलते हो, साइट ना हो, कैन वी कॉल इट एन एक्सपीरियंस? व्हाट इज एक्सपीरियंस? साइट ऑफ समथिंग इज एक्सपीरियंस. साइट ऑफ योर थॉट्स इज एक्सपीरियंस. साइट ऑफ फीलिंग्स इज एक्सपीरियंस. साइट ऑफ इमोशंस इज एक्सपीरियंस. दिस एक्सपीरियंस इज द साइट. दिस साइट इज द वेरी एक्ट ऑफ सीइंग. दिस वेरी एक्ट ऑफ सीइंग इज कॉन्शियसनेस, एंड दिस कॉन्शियसनेस इज द सीयर, इज मी. तुम शुद्र चित्त वाले मत बनो. शुद्र मतलब छोटी सोच. छोटी सोच मतलब क्या? दुखी मत हो. छोटी छोटी चीजों की वजह से दुखी मत हो. अगर आपको समझ आ रहा है कि यहां पर क्या कहा जा रहा है, या मैं क्या कह रहा हूं, किस लेवल की बात हो रही है, तो अब आपके लिए दुखी होने की कोई वजह रही ही नहीं.